हमारे शिष्य भी ध्यान करें पुष्पेंद्र शास्त्री, क्या रामायण को पढ़ना अलग चीज है और पढ़ के उस पर मनन करना अलग चीज है? ऐसी जी हमारा जी चैनल ना चला रहो बाबू जी, एक दिन अपनी बउआ लेके और रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, रामायण पढ़ता था, रामायण हाथ में लग रही, इतना प्यार था रामायण थी, रामायण 24 घंटा हाथ ही में रहती। सो जैसी रेलवे स्टेशन पर रेल आई, सुबह अब तो झोला लेके चढ़ गए रेल में, और बहू ने कही कि मैंने का पानी पी लू टंकी में, पी ला जल्दी आ सिंगल है वो। सो जो बहू ने टंकी में पानी पी रहे घुमो करो सो नाक में बारी हथ गई टंकी मुझ गई। अब जाकर रेल ट्रेन वाले टीटी ने झंडा दिखा सुबह ने करी पो, जो रेल चली अब जल्दी कर गई, अब बालक फंस गई नथ टंकी में। सो तो तक रेल पकड़ गई स्पीड, अब बे भाई रामायण पकड़े डोले कब जालंग थे जालंग जालंग थे जालंग, भगवान का रामायण को पढ़ दो कोई नतीजा ना लेकर आज मेरी बहू रहेगी। जो बेचैन भाई भीतर, सो एक महात्मा जी बैठे थे योग्य साधु थे रामायण बेहू पढ़ते, सो निकी लला कैसे पांच बंदरों है के पांच का बंदरों महात्मा जी दिन और रात सांझ को सवेरे रात में दिन में दिन और रात रामायण पढ़ी पर रामायण को कोई नतीजा नहीं निकल आज मेरी बहू रहेगी। महात्मा बोले कि रामायण पढ़ी है खूब और पढ़ी ना आगे डोकर तुम खाम खामो वैसे दिमाग खराब कर रहे हो मेरी तो घरवाई छूट गई मां। के लला रामायण पढ़ी है कि हां पढ़ी है तो फिर गुनी हुए के डोकर कई बोगा जा रहे हो कि बेटा अगर रामायण तेने पढ़ी होती तो रामायण में तेने ये नहीं पढ़ा कि सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, ये नहीं पढ़ाते। सो आज अपनी घरवाली को ढूंढ रहा है, प्रथम कर्तव्य पुरुष का अगर वाहन में पहले चढ़ाता तो अपनी घरवाली को चढ़ाता तू, और ताकि पीछे तू चढ़ता तो रामायण पढ़ी कहां है तेने? तो रामायण को पढ़ने के बाद उस पर मनन करना चाहिए तो पढ़ना है। आज वो पापनी पूतना जाकर जहर लगा के आई है और नंद भवन में पैर दिया है, तब कही ए मैया ओ यशोदा मैया मैं